मंडलायुक्त रवि कुमार रंजी की अध्यक्षता में JEES संबंधित मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में JEES पर प्रभावी रोकथाम करने के लिए 11 विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में JEES के मरीजों की संख्या न बढ़ने पाए। मंडलायुक्त ने नगर निगम तथा पंचायती राज के अधिकारियों से कहा है कि शहर तथा गांव के नालियों की साफ सफाई होती रहे। उन्होंने कहा कि शहर तथा गांव में बरसात का पानी ना जमा होने पाए, क्योंकि पानी जमा होने से मच्छरों की संख्या बढ़ती है तथा JEES का खतरा ज्यादा रहता है। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार NG, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, BRT मेडिकल कॉलेज में अलग से 313 हमारे डेजिग्नेटेड बेड सेंसर, जो 100 बेड वार्ड बना हुआ है उसको लेकर के हमारे एक फैसिलिटीज इंसर्ट की। इसके अलावा हम वेंटिलेटर की देखें तो हमारे मंडल में आवश्यकता पड़ने पे इसकी उपयोगिता हमारी उपयोगिता के लिए उपलब्ध है सर। और जो अभी कोविड को लेकर के कुछ जगहों पे PSA प्लांट्स और PICU है, यहाँ पे हमारी वैसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर एक होता है उसे सप्लाई हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे PSA प्लांट लग रहा है तो इन जगहों पे हमारी ये सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई यहाँ शुरू हो रही है। नहीं, बट ये क्या केवल PU के लिए भी रहेगा या दूसरे के लिए भी है? दोनों के लिए, दोनों के लिए, ओवरऑल के लिए सर, ओवरऑल के लिए। मतलब हमारा एम्बुलेंस के अगर हम देखें तो हमारे पूरे मंडल में 114 हमारे पास 108 एम्बुलेंस है, 157 102 एम्बुलेंस है, नॉन फंक्शनल एम्बुलेंस नहीं है। LSA का कौन चेक करते रहते हैं? आप लोग चेक करते हैं? LSA का CMO सभी लोग चेक करते हैं? तो सभी के लिए यही है, क्योंकि आने वाले दिन में इलेक्शन से VVIPs और VIPs का मूवमेंट रहेगा, ठीक है। LSA में कोई भी ठीक है कमी रहेगा तो उसको अभी टाइम है आपके पास, उसको ठीक करवा दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, मैंने VVIPs मूवमेंट में ही देखा हूँ, कभी कभी इक्विपमेंट काम नहीं करता है हो जाएगा, तो कृपया इसको ध्यान में रख लीजिए। AES के डेटा को एक पिछले 5 साल की जो NLC से सर थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस साल देखें तो थोड़ा सा AES के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं सर। अब जैसे 2017 में 2864 केसेस थे, वो जो जाकर के 2020 में एक हिसाब से तो केसेस हमारे सर बढ़े हुए हैं। यही केसेस भी लगातार हमारे घटते हुए 203 थे 2017 में और 2020 में 22 से नहीं होते। आज मंडली समीक्षा बैठक थी JEES को लेकर के, और कई सभी 11 विभाग जो JEES में लगे हुए हैं, जिसमें नोडल स्वास्थ्य विभाग है, लोगों की बैठक भी, उसमें कमिश्नर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि JEES के केसेस न बढ़ने पाए, अच्छी तरह से इसकी मॉनिटरिंग हो, झाड़ झंखाड़ जो भी है उनको सफाई होती रहे, नलकूप में स्वच्छ जल आए जो प्रदूषित ना रहे, और पंचायत राज को सर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो नालियों की सफाई और उसमें छिड़काव करें जिससे कि मच्छर लोग ना पनपें और लोग सुरक्षित रहें, जिससे JEES से जो ये एरिया में चांसेस बढ़ने के रहते हैं उनको रोका जा सके और JEES को हमें नियंत्रित कर सकें।